हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये व्हीकल 2518 हाईवा है जो कि जिसमें वाइट स्मोक आ रही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी सॉल्यूशन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एबनॉर्मल साउंड भी आ रही है आइडलिंग स्पीड में, और हमारी जो इंजन की जो स्मोक है वो वाइट कलर की फूल आ रही है और एक अलग तरह की साउंड आ रही है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए साउंड, इंजन की जो साउंड है ये साउंड हमें सुनने को मिल रही है अजीब तरीके से, जो कि इंजन के अंदर से आ रही है। लग रहा है कि उसके अंदर से कुछ टूट फूट गया है, ऐसा साउंड आ रहा है। और इसकी स्मोक जो है आप लोगों ने देखा कि किस तरह से है। चलिए एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए साउंड आ रही है, देखिए ये किस तरह से हमारी ये साउंड आ रही है। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। चलिए हम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो उससे रिलेटेड है या नहीं। यहाँ पे कोई कोड उससे रिलेटेड दिख रहे हैं कि नहीं वो हमें देखनी है। और इसमें एक सडनली जो है वाइट कलर की स्मोक आनी शुरू हो गई और एबनॉर्मल साउंड आने लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स फिलअप करने के लिए आएगी ऑप्शन, तो हमें उसे बाईपास कर लेनी है और देखनी है कि हमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए फोल्ड कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोड आ गया है 4948। ये हमारी परफॉर्मेंस बेसिक सिलेक्शन स्विच की है, और 3568 ये हमारी SCR सिस्टम की है, 115 ये हमारी इंजन की मैग्नेटिक की है, और 0731 ये भी इनएक्टिव है, ये इंजन की क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की मिसमैच के कारण आई है, और 0559 ये डीजल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये 0559। तो हमारी जो स्मोक आ रही है और इसमें जो एबनॉर्मल साउंड है उससे रिलेटेड किसी भी तरह की यहाँ पर कोई एरर कोड्स यहाँ नहीं शो कर रहे हैं। तो चलिए हम इसे हटा लेते हैं और डायग्नोस्टिक में चलते हैं, इंजन डायग्नोस्टिक। तो इंजन डायग्नोस्टिक में हम देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर कटआउट, इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें इंजन स्टार्ट करनी होगी, तभी ये हमारी सिलेंडर कटआउट की ऑप्शन ओपन होगी। तो चलिए इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने इंजन को स्टार्ट कर लिया है और देखिए यहाँ से, चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से एक बंद हो चुकी है और अब नॉर्मल साउंड जो है वो भी साउंड नहीं है। चलिए वापस एक बार और हम फिर कट करके चेक करेंगे। कट करने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ये देखिए किस तरह से साउंड जो है, देखिए कट किया हमने, ये देखिए यहाँ से स्मोक आनी शुरू हो गई। ये 6 नंबर इंजेक्टर की ही प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए यहाँ से देखिए, फिर हम रीस्टोर कटआउट कर दिए हैं। कटआउट करने के बाद देखिए यहाँ से स्मोक बंद हो जा रही है। यहाँ से देखिए कोई भी स्मोक हमारी साइलेंसर से नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी जो इंजेक्टर है 6 नंबर वो फॉल्टी है। तो चलिए अब वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपको सारी चीज़ समझ में आएगी कि इसकी सॉल्यूशन कैसे मिलेगी। चलिए फिर हम कटअप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने वापस कट किया और वापस चेक कर लेते हैं। देखिए किस तरह से इतनी स्मोक आ रही है कि रोड में ये व्हीकल नहीं चल पाएगी। देखिए हमने फिर इसे कटअप किया है। कटअप करने के बाद में देखिए जब नहीं आती है
तो चलिए अब हम यहाँ से टैपेट कवर को खोल लेना है। टैपेट कवर को निकालने के बाद हमें इंजेक्टर निकालनी है, तो इंजेक्टर निकालने की प्रोसेस मैं इसमें दिखाऊंगा। पहले हम टैपेट कवर को खोल लेते हैं। टैपेट कवर को निकालने के बाद देखिए ये 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 नंबर इंजेक्टर है, तो ये सभी इंजेक्टर को हमें इंजेक्टर रिपेयरिंग शॉप में दे देनी होगी। उससे पहले कि हमें सब जितने भी हाई प्रेशर की नोज़ल पाइप इंजेक्टर पाइप्स हैं उसे हमें निकाल लेनी होगी। निकालने के बाद हमें उसे साइड कर लेनी होगी ताकि किसी तरह से रिस्ट्रक्शन हमारे इंजेक्टर को खोलने में ना हो और परेशानी किसी तरह की ना हो। तो सभी इंजेक्टर को हमें निकालने से पहले सभी हाई प्रेशर पाइप को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंजेक्टर की प्लंजर है, प्लंजर की होल्डर है, उसे हम निकाल लेते हैं। ये 24 नंबर की स्पैनर लगेगी इसमें, इस होल्डर को लूज़ करेंगे और होल्डर को निकालेंगे और एक एक प्लंजर को निकाल कर चेक करेंगे कि उसमें कहीं पर टिप में उसकी थोड़ी मार्क या कुछ गड्ढा या कुछ कट तो नहीं है जिसकी वजह से डीजल की प्रॉब्लम उठ जाती है। तो चलिए हम यहाँ से इस जगह से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। एक एक प्लंजर को यहाँ से हम निकालेंगे और चेक करेंगे। जब हम प्लंजर को चेक करेंगे तो उसकी टिप को ज़रूर चेक करें ताकि किसी तरह की अगर वहाँ पे मार्क हो तो उसे रिप्लेस कर दें। तो चलिए हम एक एक होल्डर को निकाल लेते हैं। ये हम लोगों ने तीसरी नंबर सिलेंडर से निकाल लिया, ये चौथी का भी हम लोग चलिए निकाल लेते हैं, फिर पांचवी और छठी को भी निकाल लेंगे। 6 के 6 सिलेंडर की जो आपकी प्लंजर है उसे हमें निकाल लेनी है। और चलिए अब हम निकालते हैं इसकी इंजेक्टर की ऊपर सोलनाइट की जो कनेक्शन की गई है वायर वाली, उसे हम निकाल लेते हैं 6 की 5 की। उसके बाद सारे हम एक एक करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें रॉकर आर्म को खोलनी है फ्रेंड्स। बिना रॉकर आर्म खोले BS4 में इंजेक्टर को नहीं निकाल सकते हैं, वो भी एक इंजेक्टर एक रॉकर आर्म निकालनी होगी एग्जॉस्ट वाली। तो सारे सिलेंडर की एग्जॉस्ट वाली रॉकर आर्म को हम खोल लेते हैं। चलिए अच्छी तरीके से इसे निकाल लेंगे, एक एक रॉकर आर्म को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे साइड कर लेंगे। फिर देखिए हमने 4 नंबर की, अब 3 नंबर की हम लोगों ने रॉकर आर्म को निकाल लेते हैं एग्जॉस्ट वाली। जो बड़ी वाली रॉकर आर्म है उसे हम निकाल लेंगे। 1 नंबर वाली भी लूज़ कर लेते हैं। लूज़ करने के बाद सारे एक एक करके हम सभी को साइड कर लेंगे। उसके बाद इंजेक्टर को निकालेंगे हम। इंजेक्टर के ऊपर फ्रेंड्स एक होल्डर होते हैं, इंजेक्टर की होल्डर बोलते हैं उसे। उसमें दो बोल्ट रहते हैं वहाँ पे 8 नंबर वाली, उसे हमें निकालनी होती है और होल्डर को बाहर कर लेनी होती है। देखिए यहाँ से ये सारी हम लोगों ने वायर को निकाल लिया है। उसके बाद अब हम होल्डर को खोलते हैं फ्रेंड्स और होल्डर को बाहर निकालते हैं। होल्डर को निकालने के बाद हम किसी भी स्पैनर या स्क्रू ड्राइवर से अगर पुश करते हैं नीचे की तरफ से अगर हम उसे पुश करेंगे तो हमारी इंजेक्टर जो है बाहर की तरफ आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये इंजेक्टर जो है हमारी यहाँ से हाथ में आ चुकी है निकालने के बाद। चलिए एक एक करके सभी इंजेक्टर को हम निकालेंगे और रिपेयरिंग शॉप में इसे हम भेज देंगे रिपेयर होने के लिए। उसके बाद हम पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी इस इंजेक्टर में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 6 नंबर वाली इंजेक्टर निकालने में प्रॉब्लम कर रही थी तो हमें इंटेक की भी रॉकर आर्म को लूज़ कर दिया है। ये 6 नंबर की जिसमें कंप्लेन है ये इंजेक्टर है। चलिए फ्रेंड्स ये सारी इंजेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया है यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी रिपेयर होके यहाँ पे आ गए हैं। तो जहाँ पे रिपेयर करने के लिए भेजा गया था उस जगह पे देखिए, इस जगह पे इंजेक्टर के पार्ट नंबर होते हैं, यहाँ पे बोस की है ये इंजेक्टर। उस जगह पे उन्होंने कहा कि 6 नंबर की जो उन्होंने ये बताया कि 6 नंबर की जो इंजेक्टर है वो डिफेक्टिव है, इसे रिपेयर करना होगा। तो उन्होंने रिपेयर किया और 4 नंबर की जो इंजेक्टर है उसमें भी हल्की सी कंप्लेन थी तो उसे भी उन्होंने रिपेयर कर दिया। चलिए फ्रेंड्स अब रिपेयर होके हमारे पास जो आ गया है, तो चलिए अब हम एक एक करके इंजेक्टर डालते हैं। स्टार्टिंग हम 6 से करते हैं। देखिए 6
फ्रेंड्स, इसमें कोई भी इंजेक्टर आप कहीं भी डाल सकते हैं, इसमें कोई बारकोड स्कैनिंग या बारकोड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2017 में जो भी व्हीकल निकली है BS4 की, उसमें बारकोडिंग की सिस्टम नहीं है, उसमें बारकोडिंग की कोई ऑप्शन सॉफ्टवेयर में नहीं दिए गए हैं। और जैसे ही 2008 की व्हीकल में जब आप कनेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो उसमें बारकोडिंग की सिस्टम वहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको एक एक इंजेक्टर देख देख कर डालनी होगी कि वन नंबर में अगर है तो वन में ही डालनी है, और टू में है तो टू में डालनी है, और जिसमें आप रिप्लेस कर रहे हैं उसमें आपको बारकोड भी डालना पड़ेगा उसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, उसकी जो बारकोड वाली जो वीडियो है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। चलिए यहाँ से हम प्लंजर को डाल लेते हैं अच्छी तरीका से। एक एक इंजेक्टर को हम लोगों ने डाल लिया है, देखिए ये एक नंबर की इंजेक्टर को डाल रहे हैं, और प्लंजर को जब पुश करेंगे तो वो अपनी प्लेस पे जाके बैठ जाएगा, और प्लंजर में ही वहाँ पे एक ग्रुप दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके वो लॉक हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, होल्डर देखिए, ये होल्डर में यहाँ पे लॉक दिए हुए हैं, और इंजेक्टर में एक पिन टाइप की है, यहाँ पे ये जो होल्डर है वो उस पिन के अंदर ही चले जाते हैं उसकी होल्डर की ग्रुप में, और ये किसी दूसरे प्लेस में नहीं बैठ सकती है। तो हमें ये आसानी से पोजीशन देखकर इसे बिठा लेनी है और अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है। टाइट करने के बाद हमें एक एक इंजेक्टर की जो सोलनॉइड की कनेक्शन है उसे भी हम कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम इसकी टैपेट जो है इंजन की टैपेट मिला लेंगे रॉकर आर्म डालने के बाद। चलिए अब हम 6 नंबर की जो इंजेक्टर है उसके ऊपर में हम सोलनॉइड की कनेक्शन कर लेते हैं वायर वाली। देखिए फ्रेंड्स, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ये हम लोगों ने सारी कनेक्शन कर लिया है। अब हम लोग प्लंजर को लॉक कर लेंगे होल्डिंग उसकी होल्डर से, होल्डर को टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से। टाइट करने के बाद प्लंजर जब वो हमारी लॉक हो जाएगी, उसके बाद हम रॉकर आर्म को डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमने 1 नंबर की रॉकर आर्म को यहाँ पर डाल लेते हैं एग्जस्ट वाली, और पुश रॉड की पोजीशन देखकर हम उसे डाल लेनी है। सभी को उसी तरीके से डालनी है हमें, 1 से लेकर 6 तक, और उसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है एक एक करके। जब ये अच्छी तरीके से टाइट हो जाए तो हमें इसे फिर वापस हाई प्रेशर की जो पाइप हम लोगों ने निकाली थी उसे हमें डालनी है और अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है। चलिए हाई प्रेशर की इंजेक्टर की हाई प्रेशर की पाइप जो कॉमन रेल से आती है वो हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है। इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसे हमें एयर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या इंजेक्टर से। चलिए यहाँ से हम लोगों ने टाइट कर लिया है, अब हम इसको इंजन की टाइमिंग कर लेते हैं। टाइमिंग करने के बाद हम इसकी टैपेट मिला लेते हैं। टैपेट की फुल वीडियो हमारी चैनल पे दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंजन को क्रैंक करते हैं। ये हम लोगों ने क्रैंक किया एक बार, चलिए दूसरी बार क्रैंक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी बार में भी हमारी व्हीकल स्टार्ट नहीं हुई। चलिए तीसरी बार करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये तीसरी बार जो है ये देखिए स्टार्ट ले लिया हमारी व्हीकल ने, और एबनॉर्मल जो साउंड थी वो साउंड अब इस व्हीकल में नहीं है। चलिए इसे हम बंद कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं ये आसानी से स्टार्ट होती है या नहीं। चलिए फिर से क्रैंक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये हमारी स्टार्ट हो गई है, और एबनॉर्मल जो साउंड थे वो साउंड इसमें बिल्कुल ही नहीं है। चलिए अब स्मोक के तरफ भी चलते हैं और स्मोक को भी देखेंगे कि हमारी जो स्मोक है वो बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। चलिए कैमरा उस तरफ लेके चलते हैं जहाँ पे हमारे साइलेंसर हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी साइलेंसर है। देखिए व्हीकल हमारी स्टार्ट है, जब हम एक्सेलेटर को फुल प्रेस करेंगे तो हल्की स्मोक या स्मोक आएगी, क्योंकि बहुत सारी डीजल इसके अंदर जाके डिपॉजिट हो गए हैं, वो पूरी तरीके से बर्न होने के बाद ही ये क्लियर होंगे। तो चलिए ये अभी स्मोक हमारे यहाँ से आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइडल में कोई भी स्मोक नहीं है और अब नॉर्मल साउंड नहीं है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ से देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि हमारी जो साउंड है और स्मोक है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद देखते हैं जो हमारी फॉल्ट कोड हैं वो फॉल्ट कोड सेम है या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर किसी तरह की चेंजेस नहीं हैं और सारे इनएक्टिव हैं तो हमें उसे सारे को इरेज कर लेनी है और
हम देखेंगे इसमें, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि हमारी जो इंजेक्टर की बार कोडिंग की जो ऑप्शन है वो इस व्हीकल में नहीं है, तो इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे नहीं शो करेगी। अगर यही सॉफ्टवेयर 2018 में अगर लगाया जाए तो वहाँ पे बार कोडिंग की ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वहाँ पे शो करती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कोड जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं सेम टू सेम, तो हमारी जो कोड थे वो बिल्कुल काउंटिंग में भी सेम हैं और वही कोड यहाँ पर हैं। तो चलिए अब हम इसे एक एक करके देख लेते हैं, और इस जो जो भी कोड यहाँ पे अभी तक उठे हैं इससे स्मोक से किसी तरह की रिलेशन वाली कोड नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसमें इंजेक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे नहीं शो कर रही थी, तो चलिए हम इसे इरेज़ कर लेते हैं। इरेज़ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी फिर से वापस कोई कोड एक्टिव होता है या नहीं होता है। अगर नहीं हुई तो व्हीकल को हम आसानी से छोड़ देंगे इसी तरीक़े से, और हम देख लेंगे, आपको चेक कराते हैं इंजन की जो प्रोटेक्शन है उसे भी हम देख लेंगे कि किसी तरह की जो प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, वो जनरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हम देख लेंगे यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ से सारी को इरेज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो अगर ध्यान से देखें हो तो किसी अगर इस टाइप की आपको अगर प्रॉब्लम फेस हो तो आप आसानी से इसी तरीके से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं किसी भी व्हीकल में। सेम टाइप की कॉमन रेल की जो भी CRDI इंजन है उसमें आप आसानी से इस तरह से चेक करके आप निकाल सकते हैं इसकी सॉल्यूशन। चलिए हमारी इस जगह से देखिए, अभी जितने भी फॉल्ट कोड हैं वो यहाँ से हट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। चलिए इसे हटा लेते हैं और ECM की एडवांस ECM डाटा में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे इंजन प्रोटेक्शन की है, तो इंजन प्रोटेक्शन हम चेक कर लेंगे यहाँ पर कि किसी तरह की डाटा जो है वो एक्टिव, फॉल्ट कोड एक्टिव हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे किसी तरह की डाटा इस जगह पे नहीं शो कर रहे हैं, और यहाँ पे इंजेक्टर की कोडिंग वाली जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, इसीलिए हमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं, देखिए इस जगह पे यहाँ पे शो करेगी, अगर इंजेक्टर की कोडिंग करनी होती है तो यहाँ पे शो करती है कि हमें इंजेक्टर की कोडिंग करके ही इंजन को स्टार्ट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि यहाँ पे ये सब नहीं दिया हुआ सिस्टम, तो आप कहीं भी किसी भी इंजेक्टर को आप डाल सकते हैं, इससे किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमने यहाँ से सारा चीज़ चेक कर लिया फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की अगर कमेंट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए फॉल्ट कोड के ऊपर फिर से वापस अगर हमें क्लिक करके देखना हो तो देख लेंगे कि हमारे किसी तरह से कोई कोड तो जनरेट हुए हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी कोड किसी तरह की नहीं आए हैं। तो चलिए अब